की बड़ी जानकारी आप देख रहे हैं। बिजबेहरा से इर्तिजा मुफ्ती इस वक्त रुझानों में आगे हैं। ये बड़ा अपडेट जम्मू कश्मीर से सामने आ रहा है। अनंतनाग की अगर बात करें तो कांग्रेस से परविज़ादा आगे हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नौशेरा से बीजेपी के रविंदर रैना इस वक्त रुझानों में आगे बताए जा रहे हैं। साथ ही अगर बात कर ले नगरोटा की तो बीजेपी के देवेंद्र राणा वहां से आगे हैं, यह अहम जानकारी सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में लगातार जिस तरीके से मतगणना जारी है, शुरुआती रुझान भी सामने आ रहे हैं। और आपको बता दें कि लाल चौक से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहसान कुरैशी इस वक्त आगे हैं, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और दोनों ही सीट पर उमर अब्दुल्ला भी आगे हैं। बता दें कि उमर अब्दुल्ला दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों पर आगे हैं। गांधरबल और बड़गाम से उमर अब्दुल्ला इस वक्त रुझानों में आगे नजर आ रहे हैं। लगातार दोनों राज्यों में 90 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी है। माता वैष्णो देवी सीट से बीजेपी इस वक्त आगे है। किश्तवाड़ से बीजेपी की शगुन रुझानों में आगे बताई जा रही है और किश्तवाड़ से बीजेपी की शगुन आगे है। सेंट्रल शॉर्टेंग से कांग्रेस रुझानों में आगे है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का सामने आ रहा है, जहां लगातार चुनाव परिणाम के जो आंकड़े हैं वो सामने आते जा रहे हैं। और ये शुरुआती रुझान के आंकड़े आपको बता रहे हैं, जिसमें कई सीटों पर बीजेपी बढ़त के साथ आगे है तो कहीं पर कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आ रही है। नौशेरा की बात कर ले तो बीजेपी के रविंदर रैना इस सीट से आगे नजर आ रहे हैं और लगातार जो आंकड़े हैं वो भी सामने आते जा रहे हैं। नगरोटा से बीजेपी के देवेंद्र राणा इस वक्त आगे हैं। जम्मू कश्मीर की बात कर ले तो इंजीनियर रशीद की पार्टी एक सीट पर आगे नजर आ रही है। लाल चौक से एनसी के एहसान कुरैशी इस वक्त आगे हैं। उमर अब्दुल्ला की अगर बात कर ले तो वो दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों ही सीटों पर वो इस वक्त शुरुआती रुझान में आगे बताए जा रहे हैं। बता दें कि गांधरबल और बड़गाम से वो चुनाव लड़ रहे हैं और शुरुआती रुझानों की अगर माने तो उमर अब्दुल्ला दोनों ही सीटों पर इस वक्त आगे हैं। माता वैष्णो देवी सीट से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो इस वक्त आगे नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के जो आंकड़े हैं, जो चुनाव परिणाम के शुरुआती रुझान हैं, वो भी आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और लगातार इसमें देखा जा रहा है। देखिए जम्मू कश्मीर के जो आंकड़े कह रहे हैं उसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है उसको बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और अगर हरियाणा की बात कर लें तो वहां भी जो एग्जिट पोल के आंकड़े थे कहीं ना कहीं कांग्रेस उस पर कायम नजर आ रही है। और देखिए 52 सीटों पर ये जो शुरुआती रुझान का जो आंकड़ा है वो क्या कह रहा है कि कांग्रेस 52 सीटों पर आगे है। अब ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लगातार जो 90 विधानसभा सीटें हैं, फिर चाहे जम्मू कश्मीर की हो हरियाणा की हो, दोनों ही जगह पर 90 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना जारी है और हरियाणा रुझानों में कांग्रेस बड़ी जीत की ओर नजर आ रही है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। देखिए आप आंकड़े भी लगातार हमारी स्क्रीन पर देखते जा रहे हैं। हरियाणा में जो 73 सीटों का जो आंकड़ा सामने आ रहा है, जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, कांग्रेस पूरी बढ़त के साथ 52 सीटों की ओर है और रुझानों में कांग्रेस बड़ी जीत दर्शा रही है। वहीं अगर साथ ही जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए तो वहां पर भी जो एनसी और कांग्रेस का गठबंधन है वो भी बढ़त के साथ आगे देखा जा रहा है और करीब 31 सीटों पर जो कांग्रेस है वो आगे नजर आ रही है। रुझानों में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा आगे है। तो ये माना जा सकता है कि जो 10 साल की बीते 10 साल की जो हरियाणा में कांग्रेस की हार थी वो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस एक बार 10 साल बाद वापसी कर सकती है, क्योंकि रुझानों में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से भी काफी आगे नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जो बीजेपी का दावा था कि हम बहुमत पार करेंगे और एक बार फिर से हरियाणा में सरकार बनाएंगे, वो भी अब विफल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआती रुझान के आंकड़े सामने आ रहे हैं कांग्रेस पूरी बढ़त के साथ आगे नजर आ रही है। 70 से ज्यादा सीट के रुझान सामने आ चुके हैं। देखिए 73 सीटों का जो आंकड़ा है, जो रुझान है, हम वो आपको बता रहे हैं, जिसमें कांग्रेस 52 सीटों पर नजर आ रही है और जो बीजेपी है वो 16 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। तो माना जा सकता है कि जो रुझानों में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से काफी आगे है और 70 से ज्यादा सीटों के जो रुझान सामने आए हैं इसमें पूरी तरह से कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप टीवी स्क्रीन पर ये आंकड़े भी देख रहे हैं, शुरुआती रुझान के ये आंकड़े हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए चाहे हरियाणा की बात कर ली जाए, दोनों ही जगह 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे और जम्मू कश्मीर में करीब 53 सीटों का ये जो रुझान का आंकड़ा है सामने आ चुका है, जिसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो बड़ा गठबंधन है, जो महागठबंधन है, वो बढ़त करते हुए नजर आ रहा है। और हरियाणा की अगर बात कर ले तो हरियाणा में भी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो वापसी करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीते 10 साल में जिस तरीके से बीजेपी सत्ता पर काबिज थी, ये माना जा रहा था कि बीजेपी का जो
जो चुनावी सिस्टम है वो काफी ज्यादा एक्टिव है, लेकिन कांग्रेस की अगर बात कर ले तो इस तरीके से जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा ने काफी मेहनत की है, माना जा सकता है कि हरियाणा में कांग्रेस पूरी बढ़त के साथ आगे है और बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे होती हुई नजर आ रही है। और रुझानों में कांग्रेस अभी 52 सीटों पर आगे नजर आ रही है। ये हरियाणा का हम आंकड़ा सीधे तौर पर आपको बता रहे हैं। रुझानों में कांग्रेस बड़ी जीत की ओर देखी जा रही है और कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से भी काफी आगे नजर आ रही है। 73 सीटों का ये जो रुझानी आंकड़ा है आप देख रहे हैं। और देखिए बीजेपी 16 सीटों पर सिमट गई है और कांग्रेस 52 सीटों पर, मतलब कि रुझानों में कांग्रेस अभी 52 सीटों पर आगे है और ये माना जा सकता है कि जो बहुमत का आंकड़ा है वो भी कांग्रेस पार कर रही है और बड़ी जीत की ओर ये जो आंकड़े हैं ये कांग्रेस की बड़ी जीत दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं।